हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो भी है स्टूडेंट बीसीए फोर सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप्स इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसको कम्प्लीट करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले विजुअल बेसिक बीसीए फोर सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन From Unit 5th in Visual Basic, ये हमारे topics थे जो हमने स्टूडेंट से पहले वाले लेक्चर में यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने कम्प्लीट किया। स्टूडेंट्स, मैंने जो है यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फिफ्थ तक जो है सारे क्वेश्चंस जिनकी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में ज्यादा है, वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप देखें और उनको देख के आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उसी यही सीक्वेंस में आज हमारा जो है विजुअल बेसिक बीसीए फोर सेमेस्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप्स इन विजुअल बेसिक। मतलब एरे क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं और हम एरे को कैसे विजुअल बेसिक में डिक्लेयर करते हैं, तो स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ही स्टूडेंट हमारा लेक्चर वन है और बिकॉज इसमें एरे के टाइप्स हैं तो हम इसको जो है मोस्टली थ्री लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज ये लेक्चर वन है, टॉपिक है एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप। अब देखो इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप, यानी कि एक ही टाइप के सारे वेरिएबल्स होंगे जिनको हम एरेज में लेंगे, टू विच द कंप्यूटर कैन इफिशियंटली assign a list of values। अब क्या करता है कंप्यूटर जो है इनको क्या करेगा, वैल्यू करेगा assign, because हम जानते हैं कि arrays always initialize from zero। zero से होता है, अगर मान लो हमने स्पेस दिया A5, तो 5 का मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो array variables have the same kinds of name as simple variables। ठीक है, an array is a consecutive group of memory locations, most important an array is a group of memory locations provide karata hai variables ki kaun sa jo hai number kis location pe aayega array mein। to an array is a consecutive group of memory locations that all have the same name at the same time, uske same name hoga same time hoga। to memory locations ko initialize karne ke liye hum array ka use karte hain visual basic mein। so array is a collection of similar data type। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एरे को डिक्लेयर करने की, कि हम विजुअल बेसिक में एरे को स्टूडेंट्स कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एरे को डिक्लेयर करने के लिए जो है हम पब्लिक और डिम इन दो स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें एरे को डिक्लेयर करना है तो डिम एरे, डिम हम कीवर्ड यूज करेंगे, डिम एरे नेम, उसका इंडेक्स कहां से कहां तक हमें उसे लेके जाना है, कोई एरे की यहां पे क्या मतलब उसकी इंडेक्सिंग क्या है एस डेटा टाइप, और किस डेटा टाइप का हमें एरे यूज करना है। जैसे कि अब स्टूडेंट कैसे करेंगे, डिम एरे ये नाम हो गया, ये हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू हो गई और टाइप क्या हो गया एज ए इंटीजर। ठीक है, तो डिम एरे और ब्रैकेट में हमारा 10 एज इंटीजर। ठीक है, तो अब इसको आगे और समझ लेते हैं कैसे करते हैं इसको डिक्लेयर। वी कैन यूज पब्लिक और डिम स्टेटमेंट, दो या तो उसको हम पब्लिक करते हैं डिक्लेयर या डिम करते हैं। तो वी कैन यूज पब्लिक और डिम स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन एरे जस्ट एज वी डिक्लेयर ए सिंगल वैल्यू। अगर मान लो हम जो है सिंगल वैल्यू यूज करेंगे तो पब्लिक और डिम का यूज करते हैं। द पब्लिक स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन एरे दैट कैन बी यूज थ्रू आउट एन एप्लीकेशन। अगर पब्लिक की तरह अगर हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करके हम यूज कर रहे हैं एरे को, तो हम जो है उसको एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट डिक्लेयर एरे दैट कैन बी यूज थ्रू आउट एप्लीकेशन। व्हाइल द डिम, अगर डिम का यूज करेंगे, व्हाइल द डिम स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन एरे दैट कुड बी यूज्ड ओनली इन अ लोकल प्रोसीजर, तो उसको क्या मतलब एज ए लोकल प्रोसीजर की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए पब्लिक और डिम, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एरे इन विजुअल बेसिक एंड इट्स टाइप्स एंड उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो आपको एरे के डेफिनेशन पर पता नहीं है, एरे को कैसे करते हैं डिक्लेयर ये बताना है और फिर एरे के टाइप्स बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बेसिकली एरे जो है हमारे विजुअल बेसिक में ये तीन प्रकार के हैं, एक है फिक्स साइज एरे, दूसरा है डायनेमिक एरे और तीसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें स्टूडेंट एक एरे और होता है कंट्रोल एरे, लेकिन हम जो है यहाँ पे तीन ही एरे की बात करेंगे बिकॉज ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली एरे जो है वो विजुअल बेसिक में ये जो है थ्री एरे को सपोर्ट करता है, फिक्स साइज एरे, डायनेमिक एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं फिक्स साइज एरे की। फिक्स साइज एरे देखो स्टूडेंट्स क्या है,
The size of array always remains the same size, does not change. यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने पहले ही जो हमने size को जब हमने करा declare, तो हमने इसको fix कर दिया ताकि हम पूरे execution में हम उसको change नहीं कर सकते. तो the size of array always remains the same size, does not change during the program execution. When an upper bound is specified in the declaration, a fixed array is created. हमने क्या किया student, अगर मान लो हमें fixed array हमने इसको create कर दिया, तो कहने का मतलब यह है कि हमने इसमें student upper bound, जैसे हमने किया मान लो अपने dim string 1 या str या dim array 0 to 2 as integer या as string, जो भी डेटा आपको यूज करना है. तो स्टूडेंट 0 टू 2 का मतलब क्या है कि हमने उसमें अपर बाउंड को हमने सेट कर दिया. अपर बाउंड को सेट करने का मतलब यह है कि हमने उसको फिक्स कर दिया. तो 0 टू का मतलब क्या है, 0 1 2, यानी इन लोकेशंस पे जो है वो हमें वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेशन करनी है. ठीक है, मेमोरी को लोकेट करना है. तो फिक्स साइज का मतलब ये है कि साइज ऑफ एरे ऑलवेज रिमेंस द सेम साइज, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. व्हेन अपर बाउंड इज स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन, फिक्स एरे इज क्रिएटेड. तो जब हम फिक्स एरे को क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट हम इसमें अपर बाउंड को हम स्पेसिफाइड कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, फिक्स साइज एरे. तो स्टूडेंट्स इसके अब हम जो है स्टूडेंट जब लेक्चर 2 में जब इसका लेके आऊंगा क्या नाम है एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक, तो स्टूडेंट जो है हम जो है इन बाकी के जो एरेज हैं और फिक्स साइज एरे है, यानी फिक्स साइज एरे, डायनेमिक एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, इनके जो है हम एग्जांपल को हम समझेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम जो है इनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज स्टूडेंट एरे की डेफिनेशन पढ़ी. एरे क्या होता है, इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं डिम और पब्लिक का यूज करके, और हमने फिक्स साइज एरे के बारे में आज हमने समझ ली फिक्स साइज एरे क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम जो है फिक्स साइज एरे, डायनेमिक एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे ये पढ़ेंगे, और हम इनके एग्जांपल को जो है प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं यही कहता हूं कि लेक्चर देखते समय एक तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा जो आपकी YouTube पर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p और 480p सेट करें, जिससे जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा गया है उसकी विजिबिलिटी आपको मतलब अधिक से अधिक दिखाई दे, ताकि जो कुछ बोर्ड पे लिखा गया है इसे देख के आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये चीज आप करेंगे तो बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे स्टूडेंट इस एक लेक्चर में एरे की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, एरे को भाई एरे क्या होता है, इसको कैसे करते हैं डिक्लेयर करते हैं, और एरे के टाइप्स क्या होते हैं, फिक्स साइज एरे. ठीक है, तो इसे नेक्स्ट वाली क्लास में लेक्चर 2 और 3 में स्टूडेंट हम जो है इसके सारे टाइप्स को कंप्लीट करेंगे और उसके हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए. थैंक यू वेरी मच.